कहाँ चलने गया था? वो कुत्ते ने काट लिया से जंगल। हेलो साथियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके बकरे को या बकरी को कुत्ते ने बाइट कर लिया है या काट लिया है या कीले मार लिए हैं, तो ऐसी स्थिति में आपने फर्स्ट एड और उसका ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए। तो ये जो आप पहले इसके हम केस हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। ओनर का कहना है कि ये झुंड में चरने के लिए गया था और जैसे इसको साथियों पीछे से आ रहा था तो ये अकेला पड़ गया और तभी कुत्तों ने इस पर साथियों हमला कर दिया। और देख सकते हैं इसके दो जगह घाव हैं फिलहाल, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। अगर बकरे के साथियों कुत्तों ने या किसी भी जानवर के कुत्तों ने काट लिया है तो सबसे पहले उस हिस्से की साफ़ सफाई करें, अगर बाल है तो वहाँ पर उसकी शेविंग करें, जितनी भी साथियों शेविंग हो सके जितना हो सके उसको साफ़ करें। अब यहाँ पर जो जहाँ जहाँ कीले मारे हैं मैंने, वहाँ से साथियों मैं इसके बालों को रिमूव कर रहा हूँ, बालों को हटा रहा हूँ, जिससे कि अच्छी तरह जख्म साफ़ हो सके और यहाँ पर एक अच्छी तरह ऑइंटमेंट लग सके। तो सबसे पहले मैंने इसको अच्छी तरह डिटॉल से धोया है, इसके दोनों को जख्म को, और साथ ही साथ अब मैं एक ब्लेड के माध्यम से इसके बालों को हटा रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप, तो दोनों जख्म मैंने इसके साफ़ कर दिए हैं। एक हल्का सा इसमें नीचे भी साथियों कीड़ा लगा है, वो भी काफ़ी गहरा है। तो जहाँ पर भी आपके बकरे या बकरी के इस तरह के कीले लगे हैं तो उनके वहाँ को बालों को रिमूव कर दें, साफ़ सफाई रखें और सबसे पहले उसको यहाँ पर डिटॉल से ज़रूर धोना चाहिए, डिटॉल से। उसके बाद साथियों लाल दवा से धोना चाहिए, इससे क्या होता है कि जो भी कीटाणु या इन्फेक्शन होता है सब साथियों इससे साफ़ हो जाता है। और हमें एक अच्छे से ऑइंटमेंट का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि हीमैक्स क्रीम आती है जो जख्म को भरती है और साथ ही साथ मक्खी वगैरह नहीं बैठे, ये भी एक प्रोटेक्शन का काम करती है। और साथ ही साथ अब बात आती है साथियों रेबीज के इंजेक्शन की, तो यहाँ पर साथियों रेबीज के इंजेक्शन लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो रक्षर्ब करके इंजेक्शन आता है रेबीज का, जो कोल्ड चैन मेंटेन होना चाहिए, जो कि मैंने इस बकरे को लगाया है। तो साथियों मैंने इसको डीप इंटरमस्कुलर रक्षर्ब इंजेक्शन लगाया है जो कि पहले दिन लगना है। रक्षर्ब इंजेक्शन की जो दूसरी डोज है वो सातवें दिन रिपीट होनी है और तीसरी डोज साथियों इसको चौदहवें दिन रिपीट होनी है। इस तरह से बकरे को रक्षर्ब इंजेक्शन लगाएं, जो कि तीन डोज लगाना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। और यहाँ पर इसको दर्द है और जख्म सुखाने के लिए मैंने इसको इनरोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक दिया है और साथ ही साथ मैंने इसको ट्राइविवेट दिया है और दर्द के लिए मैंने इसको मेलोनेक्स दिया है। तो इस तरह से आपने इलाज करना है अगर कोई भी बकरे को कुत्ते काट ले, कुत्ते काटे का इंजेक्शन इस तरह से आपने लगाना है और साथ ही साथ एक पेन किलर भी देना है आपने। और जख्म अगर ज़्यादा है तो वहाँ पर एक अच्छे से अच्छे ऑइंटमेंट का प्रयोग करना है, जैसे कि आप यहाँ पर हीमैक्स भी लगा सकते हैं, और हीमैक्स नहीं है तो आप टॉपी केयर स्प्रे या साथ ही हेलोकाइंड स्प्रे, कई तरह के मार्केट में स्प्रे अवेलेबल हैं। तो इस तरह से आपने इलाज करना है। और थोड़ा जब भी आप बकरियां बकरों को चराने जा रहे हैं तो थोड़ा सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि जंगली कुत्ते आजकल ऐसे जानवरों पर बहुत ज़्यादा हमला कर रहे हैं। तो सावधान रहें, सतर्क रहें। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब।